हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने ब्लॉग में जो पोस्ट करते हो उस पोस्ट को कैसे आप सीओ फ्रेंडली बना सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पोस्ट है उस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सर्च इंजन में फाइंड करें, सर्च करें, आपके ब्लॉग तक तो पहुंच जाएं, तो उसको जो है सीओ फ्रेंडली ब्लॉग पोस्ट कहा जाता है या फिर ब्लॉग कहा जाता है। तो वो तरीका मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ध्यान से आप इस वीडियो को देखें। जब भी आपको जो है अपना अब सीओ फ्रेंडली बनाना है आपको, तो सबसे जरूरी ये है कि आप जो है अपना जो पोस्ट लिख रहे हो उसको, मतलब कि उसका कीवर्ड को जानिए। ठीक है, वो कीवर्ड आपका ब्लॉग क्या, मेन टॉपिक किस टॉपिक पर आप लिख रहे हो, तो वो कीवर्ड अगर आप अच्छा सही तरीके से लिखोगे पोस्ट में तो ज़्यादा उसको सर्च किया जा सकता है। इसके लिए आपका एक गूगल एडवर्ड टूल होता है, तो यहाँ पर दिखा देता हूँ। गूगल एडवर्ड टूल, यहाँ पर यहाँ लिखिए गूगल एडवर्ड टूल्स, और यहाँ पर जो है ना क्लिक करके ओपन कीजिए इसको। यहाँ पर जो है ना एक फ्री में अकाउंट बना लीजिए, इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट करने का पैसा लगता है, लेकिन कीवर्ड को सर्च करने का कोई पैसा नहीं लगता। यहाँ से इजीली आप जो है ना आप सर्च कर सकते हो। एक्चुअली जो होते हैं ना गूगल एड्स वगैरह जो प्रोवाइड करवाते हैं, तो एडवर्टाइजर यहाँ पर जो है ना रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद ही उनका एड्स जो होता है गूगल के माध्यम से जो है ना वो आपका प्रमोट किया जाता है उनको। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना आप अपना सर्च कीवर्ड जो वगैरह है, जो आपका इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो और बहुत कुछ जानकारी यहाँ से ले सकते हो। तो इसका जरूर हेल्प लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बहुत ही यूजफुल, आपका एक तरह देखा जाए तो बहुत ही यूजफुल आपका ये पूरा वेबसाइट है। यहाँ से कीवर्ड के बारे में पूरा नॉलेज आपको यहाँ से हो जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो है कीवर्ड जो होगा, आप ब्लॉग पोस्ट लिखोगे उसमें कीवर्ड कहाँ कहाँ आपको प्लेस करना है उसका भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये आपका कुछ है, टाइटल टैग हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन में हो गया, प्रोमो लिंक हो गया, इमेज ऑप्टिमाइज है, इमेज जो होता है उसको भी आप ऑप्टिमाइज करना है आपको। ठीक है, उसके अल्ट टैग में भी आपको जो है ना कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। हेडिंग होता है, हेडिंग टू, हेडिंग थ्री, सब हेडिंग में भी आपको जो है ये आपको टैग का इस्तेमाल करना है आपका। ठीक है, तो ये सब जो है आपका जो है इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है पोस्ट को लिखते समय। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही जो है आपका जो पोस्ट है उस पोस्ट का बैकलिंक भी बनाना बहुत जरूरी है। बैकलिंक का मतलब है कि आप जो पोस्ट लिख रहे हो वो दूसरे के वेबसाइट पर भी उसका लिंक एक दो, उससे भी आपका जो है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इंक्रीज हो सकता है। ये क्या करिए कि आप फेसबुक हो गया, ऑनलाइन क्लासीफाइड्स हो गया, फॉरम्स हो गया, ये सब जो है ना उसमें आप अपना ऐड को पोस्ट कर सकते हो। आप कहीं मान लीजिए किसी दूसरे ब्लॉग है जो आपके वेबसाइट, आपके ब्लॉग के जो आपका टॉपिक है उससे मिलता हुआ मिलता जुलता टॉपिक वाला जो आपका ये ब्लॉग हो, वेबसाइट हो, उस वेबसाइट पर जाइए और वहाँ कमेंट का सेक्शन होगा पोस्ट में, उसमें जो है आप कमेंट लिखिए, बहुत बढ़िया कमेंट लिखिए, और उसमें साथ में अपना वेबसाइट का लिंक भी दीजिए। तो उससे भी जो होता है क्या है, आपका पोस्ट का जो है बैकलिंक क्रिएट होगा और आपका जो है वो बढ़ जाएगा आगे, बहुत ज़्यादा आपका ट्रैफिक जो है इंक्रीज होगा उससे। तो चीज को भी आपको जो है ना आपसे ध्यान रखना है। इसके साथ ही जो है आपको करना क्या है कि आप अपना जो पोस्ट लिखते हो, जो आपका ब्लॉग पोस्ट है, उस पोस्ट में आपका क्या है कि इमेज का आप यूज कीजिए। इमेज में जो है ना एक अल्ट टैग डिस्क्रिप्शन होता है, उसमें जो है आपको पूरा इमेज का डिस्क्रिप्शन लिखना है, एकदम मिलता जुलता आपका जो कोई पोस्ट है उस पोस्ट से रिलेटेड आपका जो है आपका मिलता जुलता उसको आप डिस्क्रिप्शन में लिखिएगा, तो आपका उससे ट्रैफिक इंक्रीज होगा गूगल में, बिंग में। ये सब ऐसा चीज़ है जहाँ पर आपका इमेज का बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, और उसके द्वारा आपका ब्लॉग जो होगा उसका या फिर आपके पोस्ट के द्वारा आपका ट्रैफिक इंक्रीज होगा और आपको बहुत फ़ायदा उससे हो सकता है। तो इस चीज़ का आप जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, तो आपको जो है आप उससे आपका ब्लॉग का ट्रैफिक बढ़ेगा। तो जब भी पोस्ट लिखिए जो बताया उस चीज़ का ख्याल रखिए, आप फ़ायदा होगा आपको। और दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। एक्चुअली आपके बहुत सारे लाइक कमेंट आते रहते हैं, मैं रिप्लाई भी देता हूँ आपको, और यही एक चीज़ है जो कि मेरा हिम्मत बढ़ा रहा है नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। अगर आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स आने बंद हो जाएंगे तो मेरा वीडियो बनाना भी जो है बंद हो जाएगा। तो मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, शेयर करते रहो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी तुरंत। धन्यवाद, थैंक यू।